हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से मेरे इस चैनल में स्वागत है। आशा है कि आपने इसके पहले के वीडियोस देखे होंगे और उन्हें पसंद किया होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में अध्ययन करेंगे और उसके लिए व्यंजकों को प्राप्त करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग आज विद्युत क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड किसी बिंदु आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें किसी अन्य आवेश को रखने पर वह विद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अथवा हम कह सकते हैं विद्युत प्रभाव का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। हम दूसरी तरह कह सकते हैं कि किसी भी बिंदु आवेश अथवा आवेशित पिंड के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक विद्युत प्रभाव का अनुभव होता है वह उस दिए गए बिंदु आवेश अथवा उस आवेश समुदाय का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। किसी भी बिंदु आवेश अथवा आवेश समुदाय का विद्युत क्षेत्र अनंत तक विस्तारित होता है। अब हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी आवेश या आवेश समुदाय का जो विद्युत क्षेत्र है उसके किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो शक्ति है या सामर्थ्य है उसको हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में मापते हैं। किसी भी आवेश समुदाय या किसी बिंदु आवेश के विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र के उस बिंदु पर रखे गए एकांक परीक्षण आवेश जिसको हम क्यू नॉट कहते हैं पर लगने वाले विद्युत बल के मान के बराबर होता है। अथवा हम ये कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर विद्युत आवेश परीक्षण विद्युत आवेश क्यू नॉट पर लगने वाले बल एवं आवेश के अनुपात के मान के बराबर होता है। अब पहले हम यहां परीक्षण आवेश की बात करते हैं। किसी भी आवेश के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मापन के लिए हम एक परीक्षण आवेश की बात करते हैं। परीक्षण आवेश यह अत्यंत सूक्ष्म धनावेशित आवेश होता है जो इस प्रकार का होना चाहिए जो उस बिंदु आवेश जिसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमें अध्ययन करना है या जिसके विद्युत क्षेत्र के गुणों का अध्ययन करना है यह उसको किसी भी प्रकार से प्रभावित न करे। आइए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम बात करें। तो मैंने माना एक आवेश क्यू है जिसका एक विद्युत क्षेत्र है। अब इस विद्युत क्षेत्र अगर किसी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करनी है जैसे ये है जहां पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करनी है तो मैंने आपसे कहा था कि अगर यहां पर हम एकांक परीक्षण आवेश को रख दें तो इस पर लगने वाला विद्युत बल इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अगर यहां पर रखे आवेश क्यू नॉट पर एफ बल लग रहा है तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर एफ बाई क्यू नॉट होगा। हमने अभी आपसे कहा था कि ये जो आवेश है जिसे हम परीक्षण आवेश कर रहे हैं यह इतना छोटा होना चाहिए कि यह इस स्रोत आवेश के विद्युत क्षेत्र को किसी भी प्रकार से प्रभावित न करे और इस वजह से हम इस परिभाषा को फिर से परिभाषित कर सकते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर लिमिट क्यू नॉट टेंस टू जीरो एफ अपॉन क्यू नॉट। तात्पर्य है कि यह आवेश इतना छोटा है कि वह इस दिए गए आवेश के विद्युत क्षेत्र को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं कर रहा है। अब हम विद्युत क्षेत्र के कुछ गुणों के बारे में बात करते हैं, अध्ययन करते हैं। अभी हम लोगों ने आपसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात किया और मैंने आपको बताया था कि विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल उस बिंदु पर उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। अब विद्युत क्षेत्र के कुछ समान गुणों की बात करते हैं। नंबर एक, सामान्य भाषा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई को ही हम विद्युत क्षेत्र भी कहते हैं। याद रखिएगा, जब कभी भी विद्युत क्षेत्र की बात आए तो यह कुछ और नहीं है, यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक, जैसे वहां हमने देखा था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बल और आवेश के अनुपात के मान के बराबर है, अतः विद्युत क्षेत्र का जो एसआई मात्रक है वह न्यूटन प्रति कूलाम अथवा वोल्ट प्रति मीटर होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सीजीएस मात्रक, बल का मात्रक अब सीजीएस में रखना है तो सीजीएस में इसका मात्रक डाइन होगा और आवेश का मात्रक स्टैट कूलाम होगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सीजीएस मात्रक में हो जाएगा डाइन पर स्टैट कूलाम। अब हम विद्युत क्षेत्र के विमीय सूत्र की बात करते हैं।
विमी क्षेत्र को निकालने के लिए हम वहां पे बल के विमा और आवेश के विमा को रखें। बल का विमा होगा एम एल टी की पावर माइनस टू अपॉन आवेश की जो विमा होगी वो होगी ए इंटू टी। इसको सरल किया जाए तो हमारे पास मिलेगा एम एल टी की पावर माइनस थ्री ए की पावर माइनस वन। बच्चों याद रखना कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, अर्थात इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होगी और इसकी दिशा वही होगी जो विद्युत क्षेत्र के उस बिंदु पर रखने वाले परीक्षण आवेश पर बल की दिशा होगी। फिर से याद रखिएगा कि विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा उस बिंदु पर धनावेश परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा के ही अनुदिश होगी। बच्चों अगर विद्युत क्षेत्र के सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं उसकी दिशा सदैव समान रहती है तो वह विद्युत क्षेत्र एक समान विद्युत क्षेत्र यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा, अन्यथा वह विद्युत क्षेत्र असमान दैट इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। अर्थात असमान विद्युत क्षेत्र वह विद्युत क्षेत्र है जिसमें बिंदुओं के साथ आवेश का परिमाण उसकी दिशा या दोनों ही परिवर्तित होते रहते हैं। अब हम विद्युत क्षेत्र के भौतिक महत्व की बात करते हैं। विद्युत क्षेत्र का भौतिक महत्व यह है कि अगर हमें विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो तो उस बिंदु पर रखे किसी भी आवेश पर लगने वाले बल का मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अगर कहीं पर विद्युत क्षेत्र की किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो और वहां पर आवेश क्यू नॉट रखा गया हो तो उस पर लगने वाला बल एफ ई इंटू क्यू नॉट होगा। याद रखेंगे कि विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर आवेश पर लगने वाला बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं आवेश के गुणनफल के मान के बराबर होगा। बच्चों अब हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक की बात करेंगे जिसमें हम सर्वप्रथम एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात करेंगे। बच्चों अब हम लोग एक बिंदु आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक के बारे में बात करेंगे। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के मान के बराबर होता है। तो ऐसी स्थिति में कि मैं ये मानता हूं कि हमारे पास एक बिंदु आवेश क्यू है, इस बिंदु आवेश क्यू के कारण इससे आर दूरी पर स्थित इसके विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब अगर हमें इस बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो इस बिंदु पी पर एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट को रखना होगा और उस पर लगने वाले बल के मान की गणना करनी होगी और फिर उस बल पर इस क्यू नॉट के मान से भाग देंगे तो उस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी। जैसे चित्र में देखें कि आवेश क्यू और इससे आर दूरी पर यह बिंदु पी है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हमने यहाँ पे परीक्षण आवेश क्यू नॉट रख लिया। अब इस आवेश क्यू के कारण इस परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाले बल की मान की बात करें तो कूलम्ब के नियम के अनुसार इस पर लगने वाला बल एफ वो होगा बराबर 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि इनके बीच की दूरी आर है। अब अगर यहाँ पर लगने वाला बल एफ हमें ज्ञात हो गया और परीक्षण आवेश का मान यहाँ पर क्यू नॉट है तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिभाषा के अनुसार बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बल के परिमाण और आवेश के परिमाण के अनुपात के मान के बराबर है। अर्थात एफ का मान अगर रखा जाए तो 1/4πε0 क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1/Q0, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा तो हमें यहाँ पर मिलेगा ई बराबर 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। यह एक बिंदु आवेश क्यू के कारण उससे आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। अगर हम इसी को चाहें तो सदिश के रूप में भी लिख सकते हैं, चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, मैंने अभी आपको इसके पहले भी बताया था। तो अगर इसको सदिश रूप में लिखना है तो इसमें एक दिशा भी होनी चाहिए, यानी एकांक सदिश होना चाहिए। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ये बराबर हो जाएगा 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप, जहां आर कैप वह एकांक सदिश है जो दिशा प्रदान करेगी। आप इसी को चाहें तो सदिश के रूप में इसको बदल सकते हैं, आर कैप बराबर होगा सदिश आर बटे आर। तो अगर हम इसको रख दें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर ये हो जाएगा 1/4πε0 क्यू बाई आर क्यूब इंटू वेक्टर आर। ये इस प्रकार इस बिंदु आवेश क्यू के कारण उससे आर दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। अब हम लोग इसी को सदिश के रूप में देखेंगे
कि एक बिंदु आवेश क्यू के कारण उससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश रूप क्या है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसी सदिश के रूप में, बच्चों अगर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसी सदिश रूप में ज्ञात करनी है तो हमें स्रोत आवेश a और उस बिंदु दोनों के ही इसी सदिश ज्ञात होंगे, उन्हें हमें पता होना चाहिए। हम ये मानते हैं कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसका मूल बिंदु O है तथा एक स्रोत आवेश अर्थात वह आवेश जिसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र है, जिसके किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वह स्रोत आवेश Q है। इस स्रोत आवेश Q जो कि बिंदु A पर है, इसकी स्थित सदिश R1 है, यानी सदिश OA जो है वो है R1। इस आवेश Q के कारण बिंदु B पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करनी है, जहां पे परीक्षण आवेश आपने Q0 रखा हुआ है, और इस बिंदु B का जो इसी सदिश है वो है OB जो कि R2 है, सदिश R2 दिया हुआ है, अर्थात हमें दिया है OA सदिश R1, OB सदिश R2, OA जहां पर स्रोत आवेश Q है और B बिंदु है जिसका इसी सदिश OB है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अभी हम त्रिभुज के नियम से बात करें, सदिश के त्रिभुज के नियम से, तो उस स्थिति में सदिश OA प्लस AB बराबर हमारे पास हो जाएगा OB, अर्थात हम AB की बात करें अर्थात R12 की बात कर रहे हैं तो वो हमारे पास मिलेगा सदिश AB या सदिश R12 is equal to OB minus OA यानी R2 minus R1। अब हमें चूंकि बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो आवेश Q के कारण इस बिंदु B पर रखे गए जो परीक्षण आवेश Q0 है उस पर लगने वाले बल के मान की गणना करनी होगी। तो बिंदु B पर रखे आवेश पर बिंदु A के आवेश की वजह से लगने वाला बल यानी FBA या इसी को हम कह सकते हैं फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, अगर इसकी बात किया जाए तो ये होगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट Q Q0। सदिश चूंकि वन से टू की डिस्टेंस लेनी है तो होगा R12 सदिश स्क्वायर इंटू एकांक सदिश R12 कैप। अब इसको हम सदिश में बदल दें तो ये हो जाएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट Q Q0 R12 मॉड का Q और सदिश R12। अभी R12 का मान हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, पहले ही निकाल चुके हैं जो कि है R2 माइनस R1। यह मान यहाँ पर रख दिया जाए तब उस स्थिति में इस बिंदु B पर रखे आवेश परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल वो हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q Q0 R2 माइनस सदिश R2 माइनस सदिश R1 अपॉन मॉड सदिश R2 माइनस R1 का Q। अतः अब परिभाषा से अगर बात किया जाए तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ये होगा सदिश F बटे आवेश Q0। सदिश F का मान निकाल चुके हैं, इसमें Q0 से भाग दे दिया जाए तो हमारे पास मिलेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q सदिश R2 माइनस सदिश R1 अपॉन R2 माइनस R1 मॉड का Q, और यह इस एकांक सदिश Q के कारण इससे विद्युत क्षेत्र के बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश रूप है। अब हम लोग एक आवेश समूह की वजह से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे। बच्चों अब हम लोग बिंदु आवेश के एक निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक के बारे में बात करेंगे, अर्थात अब हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस। अगर एक आवेश समूह हमारे पास दिया हुआ है और उसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जैसे अगर हमारे पास बिंदु आवेश Q1, Q2, Q3, .. Q1 का एक निकाय दिया हुआ है और इसके कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो यह हम अध्यारोपण के सिद्धांत की सहायता से ज्ञात करते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत, जैसे कि अभी हम लोगों ने इसके पहले कूलॉम के नियम में पढ़ा था कि अगर किसी बिंदु पर हमें विद्युत बल अथवा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो उस निकाय के कारण जिसकी वजह से उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, उस निकाय के अलग अलग आवेशों के कारण उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का सदिश योग के मान के बराबर होगा। अर्थात अगर हमारे पास निकाय Q1, Q2, Q3, .. Q1 के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और आवेश Q1 के कारण इस P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 हो, Q2 के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 सदिश में है सर, तथा Q3 के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E3 हो, आवेश Q1 के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश En हो, तो इस बिंदु P पर इस आवेश के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र का परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
ई बराबर ये हो जाएगा ई वन प्लस ई टू प्लस डॉट 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 ई एन। इनके मान आप रख सकते हैं। अगर इनके मान रखा जाए और इसको हम लिखें तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ई बराबर वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा समेशन आई इज इक्वल टू वन टू एन क्यू आई अपॉन आर आई स्क्वायर इंटू आर आई कैप, जहां आर आई कैप उसकी दिशा प्रदान कर रही है। अब अगर यहां हम आर आई कैप की बात करें, यह एक एकांक सदिश है, या सदिश आर आई की बात करें तो यह सदिश आर आई आयत चार्ज यानी क्यू आई चार्ज का पोजिशन वेक्टर है, इसी सदिश है, और इस बिंदु पी की इसी सदिश आर हो तो हम इसी को इस तरह से भी लिखा जा सकता है या लिख सकते हैं, सदिश ई बराबर वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा समेशन आई इज इक्वल टू वन टू एन क्यू आई आर आई क्यू आर आई सदिश, या हम लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा समेशन आई इज इक्वल टू वन टू एन क्यू आई मॉड ऑफ वेक्टर आर माइनस आर आई मॉड क्यू ब्रैकेट में वेक्टर आर माइनस आर आई कैप। इस प्रकार यह ई एक आवेश निकाय के कारण इस बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, जो कि हमने अध्यारोपण के सिद्धांत से ज्ञात किया है। अब हम लोग एक सतत आवेश वितरण यानी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण किसी बिंदु पर क्या विद्युत बल है या क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसके व्यंजक के बारे में ज्ञात करेंगे। बच्चों, अब हम लोग एक सतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर रखे आवेश पर लगने वाले विद्युत बल अथवा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक के बारे में बात करेंगे। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि सतत आवेश वितरण तीन प्रकार से हो सकता है, नंबर एक रेखीय आवेश वितरण, नंबर दो पृष्ठीय आवेश वितरण, नंबर थ्री आयतन आवेश वितरण अर्थात लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हम इन अलग अलग आवेश वितरण की वजह से किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल अथवा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक के बारे में बात करेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे एक रैखिक आवेश वितरण की वजह से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या उस बिंदु पर रखे विद्युत आवेश पर लगने वाले बल के बारे में। तो हम ये मानते हैं कि लीनियर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, रैखिक आवेश वितरण है, तो वह एक वन डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, अर्थात एक तार है जिसके ऊपर कुछ आवेश दिया गया है वो एक समान रूप से वितरित है। जैसे चित्र में हम देखें कि हमारे पास एक एल लंबाई का चार्ज है, एक एल लंबाई का वायर है और इसके ऊपर चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर रेखीय चार्ज डेंसिटी यानी रैखिक आवेश घनत्व की बात करते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं और उसे हम परिभाषित करते हैं लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल। अब इस आवेश वितरण की वजह से अगर इस बिंदु पी पर रखे आवेश क्यू नॉट पर हमें बल निकालना है तो हम सबसे पहले इस पर एक लाइन एलिमेंट लेते हैं, एक रेखीय अवयव लेते हैं जिसकी लंबाई dl है और इस पर उपस्थित आवेश की मान की बात करते हैं यानी उसके ऊपर उपस्थित चार्ज की बात करते हैं। तो अगर हम इस परिभाषा से बात करें तो लैम्डा इज इक्वल टू है dq बाई dl। तो इस dl लेंथ पर कितना आवेश है, कितना चार्ज है, अगर उसकी बात करें तो dq बराबर हो जाएगा लैम्डा इंटू dl। अब इस आवेश अवयव चार्ज की वजह से इस बिंदु P पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल कूलम्ब के नियम से अगर बात किया जाए, इस dl की अगर जो पोजीशन वेक्टर है वो r1 हो और इस q0 का पोजीशन वेक्टर r2 है तो उस स्थिति में उस पर इस अवयव पर उपस्थित आवेश के कारण q0 पर लगने वाले बल की बात किया जाए तो वह बल हो जाएगा df is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 dq into q0 ब्रैकेट में वेक्टर r2 minus वेक्टर r1 upon मॉड ऑफ आर टू माइनस आर वन क्यू। अब यहाँ पर रखे हुए आवेश क्यू नॉट पर अगर लगने वाला बल हमें मिल गया है इस लाइन एलिमेंट डीएल पर उपस्थित आवेश के कारण, अवयव पर उपस्थित आवेश के कारण, तो पूरे सतत आवेश वितरण की वजह से क्या बल होगा, अगर उसकी बात करें तो हम इसका लीनियर इंटीग्रेशन कर देते हैं और तब एफ बराबर हो जाएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट लीनियर इंटीग्रेशन क्यू नॉट लैम्डा डीएल मॉड ब्रैकेट में आर टू माइनस आर वन अपॉन मॉड ऑफ आर टू माइनस आर वन क्यू। अतः इस बिंदु पी पर इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर वो हो जाएगी वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट लीनियर इंटीग्रेशन लैम्डा डी एल ब्रैकेट में वेक्टर आर टू माइनस वेक्टर आर वन अपॉन मॉड ऑफ आर टू माइनस आर वन क्यू।
इस प्रकार हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इस बिंदु P पर रखे आवेश Q नॉट पर बल एवं इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात की। बच्चों अब हम लोग अगली स्लाइड में एक सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात पृष्ठीय आवेश वितरण की वजह से किसी बिंदु पर रखे आवेश पर लगने वाले बल एवं उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक के बारे में बात करेंगे। पृष्ठीय आवेश वितरण आवेश का वह वितरण जिसमें आवेश एक द्विविमीय पिंड पर सतत रूप से वितरित हो अर्थात द चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ए टू डायमेंशनल बॉडी। जब अगर आवेश का पृष्ठीय आवेश वितरण हो तो हम वहां पर पृष्ठीय आवेश घनत्व को परिभाषित करते हैं जैसे हमने रेखीय आवेश घनत्व परिभाषित किया था और हम इसको सिग्मा से लिखते हैं। सिग्मा बराबर डी क्यू बाई डी एस जहां डी एस एक एलिमेंट्री सरफेस है अवयव पृष्ठ है। इस डी एस पर जैसे यहाँ आप देख रहे हैं एक पृष्ठ है एस और इस पर हमने एक अवयव सतह डी एस लिया हुआ है और इस पर आवेश का मान है डी क्यू। तो उस स्थिति में पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर हो जाएगा डी क्यू बाई डी एस। अब इस पृष्ठीय आवेश वितरण की वजह से इस बिंदु पी पर रखे आवेश क्यू नॉट पर लगने वाले बल और इस बिंदु पी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक के बारे में बात कर रहे हैं। हम इसके लिए एक पृष्ठ अवयव डी एस लेते हैं यानी सरफेस एलिमेंट लेते हैं और इस पर आवेश का मान ज्ञात करते हैं। अब इस सूक्ष्म पृष्ठ अवयव डी एस पर आवेश का मान डी क्यू बराबर अगर हम बात करें इस परिभाषा से तो हो जाएगा सिग्मा डी एस। इस चार्ज डी क्यू यानी आवेश डी क्यू की वजह से इस बिंदु पी पर रखे आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला बल अगर हम इसकी बात करें तो डी एफ ये हो जाएगा 1/4 क्यू नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैट या हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं 1/4 क्यू नॉट सिग्मा डी एस अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैट। अब इस संपूर्ण पृष्ठीय आवेश वितरण की वजह से इस आवेश क्यू नॉट पर लगने वाले बल की बात किया जाए तो हम इसका पृष्ठीय समाकलन करते हैं और तब हमें मिलेगा सदिश एफ बराबर 1/4 क्यू नॉट पृष्ठीय अवकलन एस सिग्मा डी एस आर कैट अपॉन मॉड ऑफ आर स्क्वायर यह हम इसी को इस तरह भी लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4/0 पृष्ठीय समाकलन सिग्मा डी एस ब्रैकेट में आर टू माइनस आर वन अपॉन मॉड ऑफ आर टू माइनस आर वन क्यू जहां आर टू उस बिंदु का पोजीशन वेक्टर है इसी सदिश है जहां पर हमें रखे हुए परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर बल निकालना है और आर वन उस सरफेस एलिमेंट डी एस का पोजीशन वेक्टर है इसी सदिश है जहां पर वह स्थित है। इसी प्रकार अगर हमें इस बिंदु पी पर रखे आवेश क्यू नॉट पर बल मिल गया है तो यहां पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं और वह तब हो जाएगा ई बराबर 1/4 सरफेस इंटीग्रेशन सिग्मा डी एस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर या हम इसी को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1/4 सरफेस इंटीग्रेशन सिग्मा डी एस ब्रैकेट में वेक्टर आर टू माइनस वेक्टर आर वन अपॉन मॉड ऑफ आर टू माइनस आर वन क्यू। इस प्रकार इस पृष्ठीय आवेश वितरण की वजह से इस बिंदु पर रखे आवेश क्यू नॉट पर लगने वाले बल एवं यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यह व्यंजक है। अब हम आयतन वितरण की वजह से किसी बिंदु पर रखे आवेश पर लगने वाला विद्युत बल क्या होगा और वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी हम इसके व्यंजक के बारे में बात करेंगे। आयतन वितरण अगर आवेश किसी आयतन पर एक समान रूप से वितरित हो तो हम इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं और ऐसी स्थिति में हम आयतन आवेश घनत्व को परिभाषित करते हैं। आयतन आवेश घनत्व अगर हम बात करें कि कोई पिंड है जिस पर आयतन V है और उस पर Q आवेश वितरित है तब आयतन आवेश घनत्व आप रो बराबर हो जाएगा Q बाई V या हम इसी को बात करें अगर सतत डिस्ट्रीब्यूशन है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम इसको परिभाषित कर सकते हैं रो इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी वी जहां डी वी ये एलिमेंट्री वॉल्यूम एलिमेंट है यानी यह अधिसूक्ष्म आयतन अवयव है। अब हमें अगर इस आयतन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आयतन आवेश वितरण की वजह से इस बिंदु पी पर रखे आवेश क्यू नॉट पर बल निकालना है तो हम सबसे पहले एक अवयव आयतन लेते हैं जिसे हम डी वी से लिख रहे हैं और इस पे आवेश का मान ज्ञात करते हैं और इस अवयव एलिमेंट डी वी पर आवेश के मान की बात करें अगर वो डी क्यू है तो इस स्थिति में अगर हम ये डी वी पर निकालें तो डी क्यू बराबर हो जाएगा रो इंटू डी वी। अब इस आवेश डी क्यू की वजह से आवेश क्यू नॉट पर लगने वाले बल की मान की बात करते हैं और इस पर अगर हम बल की मान की बात करें तो कूलम्ब के नियम से
dQ पर लगने वाला बल dS बराबर हो जाएगा क्यू नॉट अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट dQ इंटू r कैप अपॉन r स्क्वायर। अब हमें तो इस सतत आयतन वितरण की वजह से इस P पर रखे आवेश क्यू नॉट पर बल का मान ज्ञात करना है। अगर इस पे बल का मान ज्ञात करना है तो हम इसका आयतन समाकलन करना होगा। हम इसका अगर आयतन समाकलन कर दें तो ऐसी स्थिति में संपूर्ण आयतन आवेश के कारण क्यू नॉट पर लगने वाला बल प्राप्त हो जाएगा और तब हमारे पास मिलेगा फिजिकल टू क्यू नॉट अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो डीवी आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। जैसा कि हमने अभी बात किया था कि अगर इस एलिमेंट वॉल्यूम एलिमेंट का पोजीशन वेक्टर आर वन हो और इस बिंदु पी का जो पोजीशन वेक्टर है वो आर टू है तो हम इसी को इस तरह भी लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो डीवी ब्रैकेट में आर टू माइनस आर वन अपॉन मॉड ऑफ आर टू माइनस आर वन क्यू। अब अगर हमें यहां पर रखे आवेश क्यू नॉट पर लगने वाले विद्युत बल का मान प्राप्त हो गया है तो हम यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान को भी ज्ञात कर सकते हैं और वह इस संपूर्ण आयतन के वजह से इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। इस प्रकार बच्चों इस बिंदु P पर इस आयतन आवेश वितरण की वजह से अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होगा E बराबर 1/4 epsilon naught वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो डीवी आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। या आप इसी को चाहें तो लिख सकते हैं वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4 epsilon naught वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो डीवी ब्रैकेट में वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1 अपॉन मॉड ऑफ r2 माइनस r1 क्यूब। इस प्रकार हमने देखा कि एक आयतन आवेश वितरण की वजह से किसी बिंदु P पर रखे आवेश q नॉट पर लगने वाले बल और उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भंजक क्या होगा। बच्चों इस प्रकार हम लोगों ने आज विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके लिए भंजक एवं एक सतत आवेश वितरण की वजह से किसी बिंदु पर रखे आवेश पर लगने वाले बल एवं वहां पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता के व्यंजक के बारे में अध्ययन किया। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके लिए सहायक होगा। अगले वीडियो में बच्चों हम लोग विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे तथा वैद्युत ध्रुव एवं उनके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।